तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल के बॉर्डर पे और नेपाल में काठमांडू घूमेंगे और क्या कहना है आपको मोटू, कहाँ का प्लान है घूमने का? We are going to Kathmandu, Janakpur and इधर से रास्ता ही नहीं पता मैं सीमा पे हैं और हम लोग यहाँ से उस बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अब नेपाल के बॉर्डर में आ चुके हैं और ये है नेपाल और ये है बिहार। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका स्वागत है भारतीय सीमा शुल्क में। और हम लोग अभी नेपाल में हैं, ये नेपाल का बॉर्डर है और ये नाला से डिवाइड हुआ है। अब देख सकते हैं नाला से डिवाइड हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। और ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसको हम लोग क्रॉस करके नेपाल के अंदर जाएंगे। और ये क्या हुआ, कितना शुल्क लगा? भारत में आपका स्वागत, भारत में थोड़ी ना फोटो जाएंगे। हाँ, तो हम लोग नेपाल से भारत में स्वागत कर रहे हैं ना, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। कितना तो पैसा लग रहा है? अब बराबरी में हम लोग स्कॉर्पियो से आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है? अभी फोटो नहीं लिया जा रहा है। इंडिया में मैं आपको बता दूं कि बिहार में रह के आप फोटो नहीं ले सकते हैं, बोलते हैं कि नेपाल से जाके आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। तो उधर से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी परमिशन नहीं है, आप नेपाल से जाके ले सकते हैं। तो ये सब है व्यूज, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम लोग एक नया सिम ले रहे हैं, नेपाली सिम एनसेल कंपनी की। सिम ले रहे हैं और यहाँ पे 200 का सिम दे रहा है और 200 सिम प्राइस है और जिसमें 80 रुपीज इंडियन करेंसी अगर प्लान लेते हैं हम लोग तो ये ऐड हो जाएगा और 5GB हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होगा। तो उससे हम लोग इंडिया से हम लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। और उस और एक है 2 रुपीज पर नेपाली करेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया को कॉल कर पाएंगे, ठीक है ब्रो? तो ये सब प्लान है नेपाल में। जब आप लोग आए तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सिम एंड सेल कंपनी की परचेज कर लें और इंडिया से कनेक्ट लें। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं नेपाल में और मैं आपको दिखा दूँ कि भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्रालय माननीय श्री रेणु कुमार यादव जी द्वारा जनकपुरी ट्वेलर सड़क व्यापारी मार्ग का उद्घाटन नमक हो चुका है। और यहाँ पे हमें कुछ रुपए देने होंगे धनुषा के लिए, जो कारी इंटर करते हैं उसके लिए। और यहाँ पे छोटा सा ऑफिस बनाया गया है और कुछ दुकानें भी हैं और शायद वो टेंपल है। और एक रोड है, रोड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, हाईवे की तरह नज़र आ रहा है। और ये ऑफिस है का मिला भाई अमूल। तुम दूध पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ये 25 रुपए का अमूल है, बताओ। ओ, नेपाली पैसे देने पड़ेंगे हम लोग को? भारतीय देना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ फोन पे भी चलता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बता दूँ दोस्तों, नेपाल के अंदर भी आपको फोन पे यूज करने को मिलेगा।
पीछे दिखाता हूँ आपको पहाड़, अंधेरी रात है, यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है, रेस्टोरेंट है और कुछ लोग रहते भी हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा। और ये ट्रक आते, ये ट्रक भाई साहब क्या रोड है यार, कुछ नजर नहीं आने वाला है।